देखो ब्रदर, अपना फंडा सिंपल है, एक ही लाइफ है मज़े में जीने का। मज़े से याद आया यूट्यूबर चाय वाले का, चाय पीना हो तो जाओ ओगे गरोड़ा के रेस्टोरों में, एड्रेस बताती हूँ इसी के साथ में, GF 132 गौर सिटी सेंटर ग्रेटर नोएडा में, एंजॉय करने का। साला अरबों की आबादी में एक आग दो जन, पियोगे चाय तो करेगा फिर मन, कोई सुनामी आए या आए तूफान, चाय वाला यूट्यूबर की चाय है जान। है एशिया न्यूज इंडिया, मैं हूँ कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के राजभवन के सामने। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक सद्बुद्धि कार्यक्रम रखा गया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस के विरोध में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी और ऐसे ही तमाम कई मंत्री और विधायक आज यहाँ आए और उनका आज का विशेष मुद्दा यह था कि जिस तरह से परसों प्रधानमंत्री के काफिले को पंजाब में रोका गया, इस पर उनका कहना है कि कांग्रेस की अभी तक दिल नहीं खुली है क्योंकि कांग्रेस इस पर भी अलग अलग टिप्पणी दे रही है, जिसे लेकर कांग्रेस के सद्बुद्धि की कामना को लेकर आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया और यहाँ ये सभी लोग आज मौजूद हुए। चलिए इनसे जानते हैं कि इस विषय पर क्या कुछ कहना है। क्या कार्यक्रम था आज और किन मुद्दों के लिए आज आप लोग यहाँ पर आए थे? आज देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं, पंजाब सरकार द्वारा जो उन पर जानलेवा हमला किया गया तो उसका शांतिपूर्ण आज धरना प्रदर्शन था रांची महानगर द्वारा। आपने कल भी देखा होगा कि फिरायलाल चौक तक युवा मोर्चा द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री का जो विरोध हुआ था, विरोध कर रहे थे, जो जानलेवा हमला किए थे उनका, उन लोगों के विरुद्ध हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे थे। आज एक दिवसीय धरना मौन धरना था, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए कड़ी निंदा कर रहे हैं, कहे कि प्रधानमंत्री पूरे देश के, ना किसी पार्टी के हैं, ना किसी एक अस्थाई जगह के हैं, वो पूरे देश के हैं। देश के शान है, आन है, बान है। जब भी उन पर जानलेवा हमला होगा तो पूरा देश उनके साथ कदम से कदम मिला के उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन कांग्रेसियों का ये कहना है कि ये कुछ बड़ा मुद्दा नहीं था जितना भारतीय जनता पार्टी इसे बना रही है। अब देश के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हुआ, ये बड़ा मुद्दा नहीं है? आप बताइए, ये विश्व के लिए बड़ा मुद्दा है, ये भारत देश के लिए बड़ा मुद्दा है, ये हर एक देशवासियों के लिए बड़ा मुद्दा है। तो आज का जो आपका यह कार्यक्रम है, क्या लगता है इसका क्या असर पड़ने वाला है कांग्रेसियों पर? जो दो दिन में नहीं असर पड़ा तो आज क्या बड़ा हो जाएगा? आज दो दिन बात नहीं है, आइंदा कोई भी देश के प्रधानमंत्री जो पोस्ट पर है, जो संविधान के जो उन्हें दायित्व दिया है, उन पर कभी भी ऐसा कायराना हमला ना हो, ना उनका रास्ता रोका जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कड़ी निंदा की जाती है। भारत के देश के प्रत्येक भारतवासियों द्वारा कड़ी निंदा की जाती है। धन्यवाद। से लोगों का बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, वो आपके लिए महान हो सकते हैं। मैं उसे मोदी जी के पैरों के धूल के बराबर ही नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के तत्वावधान में सैकड़ों कार्यकर्ता आज पूज्य बापू जी के सानिध्य में एक दिवसीय दो घंटे का मौन धरना पर हम लोग बैठे थे। तो मैं यही कहूँगा, बापू हम शर्मिंदा हैं, कांग्रेस अभी भी जिंदा है। तो मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले पर पंजाब में छिनमारी हुई, सुरक्षा को खतरा प्रदान किया गया, ये प्रायोजित खतरा था। कांग्रेस आलाकमान और पंजाब की सरकार ने एक षड्यंत्र रचकर इसको अंजाम देने का काम किया था। उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परसों से ही आंदोलनरत हैं। कल हमारे महानगर के कार्यकर्ताओं ने एक विशाल मशाल जुलूस भी निकालने का काम किया था और आज सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे महानगर अध्यक्ष के गुप्ता के नेतृत्व में धरना पर बैठे और इसका समापन हुआ है। हम आगे भी लगातार कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता का विरोध करते रहेंगे।